नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग गुणा के नियम पढ़े थे, इस वीडियो में बीजीय व्यंजकों का गुणा पढ़ेंगे। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। गुणा करें 6ab कोमा 4b, इसमें इससे गुणा करना है। दूसरा है 5ab² c³, 7a² bc। तीसरा है -6x²yz, 2/3xyqz². देखते हैं क्या एक पदी का एक पदी से गुना है, एक पदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक से गुना है। पहला लिख रहे हैं गुना करना है तो गुणनफल लिख दीजिए। गुणनफल बराबर 6ab, गुना करना है तो गुना चिन्ह दीजिए, गुना 4b। देखिए ये दोनों अचर पद है, दोनों संख्याएं हैं, दोनों को आप एक साथ लिखिए। पद है 6 × 4, इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए, बिना घेरे भी बना सकते हैं, गुना में घेरा जाए या ना घेरा जाए कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। गुना फिर इन चरों को एक कोष्ठक में ए गुना बी गुना बी, 6 और 4, 6 में 4 से गुना करना है 24 आ गया। फिर ए है, ए एक एक को है, ए रह जाएगा। बी और बी में गुना करना है, देख रहे हैं बी और बी के बीच में गुना का चिन्ह है, यहां दोनों का आधार भी है, आधार समान है और गुना है तो पावर को जोड़ देते हैं। घातांक का नियम आप पढ़े हैं, 1 और 1 2 b² हो जाएगा, यही आंसर हो गया। फिर एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा है गुना करना है तो गुणनफल लिख देंगे। गुणनफल बराबर 5ab² c³, गुना करना है 7a² bc से। इसी तरह 5 और 7 को एक साथ कर देंगे, फिर इनको एक साथ कर देंगे, ए गुना दोनों ए वाले को एक जगह कर दीजिए, ए है ए स्क्वायर है, ए गुना ए स्क्वायर, तरह सुविधा होगी हमें। बी स्क्वायर को बी के साथ लिखिए, फिर c³ है तो c³ गुना सी, 5 में 7 से गुना कीजिएगा 35 हो जाएगा। दोनों का आधार ये है, यहाँ गुना का चिन्ह है तो पावर को जोड़ देते हैं, 1 और 2 3 हो जाएंगे ए क्यू। फिर दोनों का आधार भी है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, आधार समान है गुना है, पावर को जोड़ेंगे तो बी का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ भी आधार सी है, दोनों का आधार समान हो गया, गुना का चिन्ह है, पावर को जोड़ देंगे, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, सी का पावर 3 और 1 4, यही हो गया। एक और माइनस वाला उदाहरण है उसे भी देख लेते हैं। -6x²yz गुना करना है तो पहले गुणनफल लिख दीजिए। गुणनफल बराबर -6x²yz गुना 2/3xy³z². उसी तरह संख्याओं को लिखिए, -6 × 2/3 पोस्ट में रख दीजिए, फिर एक दूसरे पोस्ट में आप रखिए इनको, फिर दूसरे पोस्ट में एक्स स्क्वायर है, एक्स है, दोनों को एक तरफ कीजिए, एक्स स्क्वायर गुना एक्स, फिर वाई है, वाई क्यूब गुना वाई क्यूब, फिर गुना जेड गुना जेड स्क्वायर, यह कट जाएगा ऊपर नीचे 3 × 6 माइनस है, -2 या +2 है, आप जानते हैं कि माइनस और प्लस गुणा करते हैं तो माइनस होता है, 2 × 2 = 4। अब यहाँ आधार एक्स है दोनों का, गुना का चिन्ह है तो पावर को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, एक्स का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ भी आधार समान है, पावर को जोड़ देंगे, 1 और 3 4,
वाई का पावर 4 हो जाएगा, फिर आधार समान है पावर को जोड़ेंगे 1 और 2 3 हो जाएगा, तो जेड का पावर 3 यही हो गया। इस तरह से आप एक पदी में एक पदी से गुना सीख गए, अब हम एक पदी में द्विपदी से गुना करेंगे। अब एक पदी का द्विपदी से गुना कैसे करते हैं देख रहे हैं, पहला है 6x+3 को 5 से गुना करना है, 5 से गुना करना है, क्या करेंगे गुना करना है तो गुणनफल लिख देते हैं, गुणनफल बराबर 6x+3 गुना 5, इसको कोष में करेंगे क्योंकि दो पद हैं। आपने पढ़ा है वितरण नियम, वितरण नियम आपने पढ़ा है कि a इंटू बी प्लस सी पुस्तक में दो पद हैं b और c और उन दोनों में गुना करना है, इसे a गुना b हो जाएगा, फिर जो a गुना c, इसी तरह बाद में भी हो तो वही बात होती है, अगर ऐसे भी रहता a जोड़ b गुना c तो इसी तरह c गुना करेगा a में और c गुना करेगा d में, वही बात यहां है। तो 5 गुना करेगा 6x में, फिर 5 गुना करेगा 3 में, 5 गुना करेगा 6x में और 5 गुना करेगा 3 में, तो क्या होगा 6x है गुना 5, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दीजिए, फिर 3 में 5 से गुना कीजिएगा 3 × 5 6×35 x हो जाएगा, जोड़ 3×15। देखिए यहाँ जोड़ना नहीं है, आप पढ़ चुके हैं कि समान पद होते हैं तभी जोड़ या घटा की क्रिया होती है, 30x और 15 दोनों अलग अलग पद हैं, अलग अलग जातियां हैं, इसलिए इन्हें जोड़ेंगे नहीं। दूसरा उदाहरण है न करना है तो गुणनफल लिखेंगे, क्षैतिज विधि है, आप अष्टम विधि से भी बना सकते हैं, 3x में गुना करना है 3x गुना 2x प्लस 5y, इसको कोष्टक में घेरना पड़ेगा, दो पद हो तो कोष्टक में घेर दीजिएगा, वही बात है 3x गुना करेगा 2x में, फिर 3x गुना करेगा 5y, क्या होगा 3x गुना 2x जोड़ 3x गुना 5y, तो हो जाएगा 3 × 6, x में x से गुना कीजिएगा, यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 1 है, x का पावर 2 हो जाएगा x2, फिर 3 में 5 से गुना कीजिएगा, प्लस है तो प्लस दे दिया, 3 में 5 से गुना कीजिएगा तो 3×15, x में y से गुना कीजिएगा तो 15x y। गुना करें, पहला है 2x+3y को 5x+4y से गुना करना है, ये द्विपदी है और द्विपदी से गुना करना है, द्विपदी को द्विपदी से गुना करना है। दो विधियां हैं गुना के लिए भी, एक क्षैतिज विधि और दूसरी अष्टम्भ विधि। तो पहले मैं क्षैतिज विधि से बना रहा हूं, पहली विधि क्षैतिज विधि, गुना करना है तो लिख दीजिए गुणनफल बराबर नंबर 2x+3y को गुना करना है 5x+4y से, तो गुणनफल बराबर पहले बीजीय व्यंजक को लिखा, फिर गुना करना है तो गुना का चिन्ह देकर दूसरे बीजीय व्यंजक को लिखा, द्विपदी व्यंजक को द्विपदी व्यंजक से ही गुना करना है। तो इसका तरीका होता है कि पहले बीजीय व्यंजक के पहले पद से दूसरे बीजीय व्यंजक के दोनों पदों में गुना करेंगे, फिर पहले बीजीय व्यंजक के दूसरे पद से दूसरे बीजीय व्यंजक के दोनों पदों में गुना करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 2x है तो 2x लिख दीजिए, इन दोनों में गुना करना है, इसको लिखिए 5x+4y, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिए, इसको लिखा और फिर इस बीजीय व्यंजक को लिख दिया, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिया,
थ्री वाई है, थ्री वाई। अब इसको इससे गुना करना है तो थ्री वाई फाइव एक्स प्लस फोर वाई, आप गुना कर दीजिए हो जाएगा टू एक्स, में गुना करना है फाइव एक्स प्लस फोर वाई से, तो टू एक्स में पहले फाइव एक्स से करेंगे और फिर टू एक्स में फोर वाई से करेंगे। वितरण नियम भी पढ़े हैं आप, उसके अनुसार भी हो जाएगा। तो टू एक्स में फाइव एक्स से करना है, दो और पांच संख्याएं हैं, दोनों को अलग कर दीजिए गुना, पांच दूनी दस, एक्स में एक्स से गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है यहां भी प्लस है तो प्लस 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 होता है। टू एक्स में फोर वाई से करेंगे, दो और चार अचर है, चार दुनिया आठ हो जाएगा, एक्स में वाई से कीजिएगा एक्स वाई, आठ एक्स वाई हो गया, यहां से यहां तक का काम हो गया, अर्थात टू एक्स में पांच एक्स प्लस फोर वाई से गुना कर दिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह नहीं। फिर थ्री वाई में गुना करना है फाइव एक्स प्लस फोर वाई से, तो थ्री वाई में पहले इससे करेंगे और फिर थ्री वाई में इससे करेंगे, थ्री वाई में पहले इससे फिर थ्री वाई में इससे कीजिए, तीन और पांच है, तीन पचे पंद्रह, एक्स में वाई से गुना कीजिएगा तो पंद्रह एक्स वाई, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा। फिर थ्री वाई में फोर वाई से करना है, थ्री और फोर में कीजिएगा, तीन चौके बारह होता है तो बारह, वाई में वाई से कीजिएगा तो वाई स्क्वायर, दस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स वाई दोनों लाइक टर्म्स है, आठ एक्स वाई में भी एक्स वाई है और पंद्रह एक्स वाई में भी एक्स वाई है, ये दोनों समान पद हैं, सजातीय पद हैं, इसलिए इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस है यहां भी प्लस है, आठ और पंद्रह तेईस एक्स वाई प्लस बारह वाई स्क्वायर, यही आंसर हो गया। अब इसे देख रहे हैं अष्टम विधि से, दूसरी विधि अष्टम विधि, अष्टम विधि में ऊपर नीचे लिखेंगे, दूसरी विधि अष्टम विधि में क्या करेंगे, पहले इसको लिख देंगे और उसके बाद इसको लिख देंगे, हमें गुना करना है तो हम अंकगणित का जब गुना करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 25 में 12 से गुना करना है, हम दाहिने से शुरू करते हैं, दाहिने से गुना शुरू करते हैं, पहले इसमें इस दो से गुना करेंगे पांच में, फिर दो से दो में, फिर इस एक से पांच में और एक से दो में, लेकिन जो बीज गणित का गुना होता है, अलजेब्रा का गुना होता है, उसमें पहले हम बाई तरफ से गुना करते हैं, इस फाइव एक्स से इन दोनों में गुना करेंगे, एक पंक्ति में लिख देंगे, फिर दूसरी पंक्ति में फोर वाई से इन दोनों में गुना करेंगे, तो पहले फाइव एक्स से इन दोनों में गुना करते हैं, क्या होगा पांच दूनी दस, एक्स में एक से गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहां प्लस है तो प्लस दीजिए, पांच एक्स में तीन वाई से करना है तो पांच तीन पंद्रह एक्स वाई, फिर अब इससे करना है, यहां एक ही बात पर ध्यान देना है कि समान जो पद हैं वे ऊपर नीचे लिखे जाएंगे। अब हमें गुना करना है टू एक्स प्लस थ्री वाई में फोर वाई से, तो क्या होगा चार दुनिया आठ हो जाएगा, आठ एक्स वाई, एक्स वाई को एक्स वाई के नीचे रखिए, फिर प्लस 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 हो जाएगा, थ्री वाई में फोर वाई से कीजिएगा तो तीन चौके बारह होगा, और वाई में वाई से गुना कीजिएगा तो वाई स्क्वायर, गुना में हमेशा जोड़ा जाता है तो यहां भी हम जोड़ेंगे, टेन एक्स स्क्वायर है प्लस फिफ्टीन एक्स वाई और एट एक्स वाई, ट्वेंटी थ्री एक्स वाई प्लस ट्वेल्व वाई स्क्वायर, यही आंसर हो गया। दो तरीके से बनाया है, आंसर तो एक आएगा ही, कोई भी द्विपदी या त्रिपदी का गुना हो तो इसी तरह करते हैं,
लेकिन आप दोनों विधियों से बना लीजिए ताकि आंसर की जांच भी हो जाएगी कि आपका आंसर सही है या गलत है। तीसरा का एक तो बता दिया, दूसरा है यहां त्रिपदी व्यंजक है, इसको गुणा करना है द्विपदी व्यंजक से। इसे हम अष्टम विधि से देख रहे हैं, आप क्षैतिज विधि से भी बनाइएगा। आयतक स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इसमें गुणा करना है 2x माइनस 3 से, उसी तरह गुणा करेंगे 2x में पहले इन सब से कर देंगे गुणा, फिर माइनस 3 से इन सब में गुणा कर देंगे और अंत में जोड़ देंगे। क्या करना है 2x से गुणा करना है तो करते जाइए। चिन्ह पर ध्यान दीजिएगा, गुणा के चिन्ह से संबंधित नियम पढ़े हैं, प्लस 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 गुना प्लस, प्लस होता है माइनस गुना माइनस भी प्लस होता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है और माइनस गुना प्लस भी माइनस होता है। तो वही काम हमें करना है, इस बात को ध्यान रखना है। 5 × 10 एक्स स्क्वायर में एक से गुना कीजिएगा, एक्स का पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक है, तो एक्स का पावर 3 हो जाएगा। गुना करने पर पावर बढ़ता है, आप जानते हैं, जब गुना किया जाता है तो घातांकों को जोड़ दिया जाता है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, एक्स का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, कोई चीज नहीं है, मतलब प्लस है, यहाँ माइनस है। तो आप जानते हैं कि माइनस में प्लस से गुना करते हैं तो क्या होता है, माइनस में प्लस से गुना करते हैं तो माइनस होता है। तो यहाँ पहले चिन्ह लिख दीजिए माइनस, फिर अब गुणा कर दीजिए। 6x में 2x से करना है तो 6 × 2 = 12 और x में x से गुना कीजिएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर अभी 2x में 5x स्क्वायर से हो गया, फिर 2x में माइनस 6x से हो गया, फिर अब 2x में करना होगा किससे, 9 से, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस हो जाएगा। 2 में 9 से कीजिएगा तो 9 × 2 = 18x हो गया। 2x से ऊपर वाले में गुना कर दिए, अब माइनस 3 से गुना करेंगे। एक बात पर ध्यान देना है कि अगर समान घात वाले पद आते हैं या समान पद आते हैं तो ऊपर नीचे लिखे जाएंगे। अब देखिए माइनस 3 से गुना करना है, इसमें यहां प्लस है, यहां माइनस है, चिन्ह होगा माइनस। 5 × 3 से गुना कीजिएगा तो 15x² होगा, तो यहां लिखना होगा इसके नीचे प्लस माइनस माइनस 15x², फिर यह माइनस है, यह माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस 6x³ से गुणा कीजिएगा 36 × 18x हो जाएगा, फिर यह प्लस है, यह माइनस है, क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 9³ = 27। अब इसको जोड़ दीजिए, 10x³ है, 10x³ (12x²) कर्जा है और 15x² कर्जा है। अब यहां लोग करते क्या है कि माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, यहां गुना हम नहीं कर रहे हैं, इस बात को ध्यान देना है, यहां हम गुना नहीं कर रहे हैं माइनस माइनस में, गुना जब भी आप करते हैं अंकगणित के भी गुना में हम जोड़ते हैं, तो यहां हम इन पदों को जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ दिए, अकेला था तो उतर गया, इन दोनों को जोड़ना है। माइनस माइनस प्लस होता है कब, गुना में, गुना में माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहां 12x² माइनस है और 15x² माइनस है, 12x² कर्ज है और फिर 15x² कर्ज हो गया, दोनों कर्ज है, तो माइनस में 27x² हो जाएगा, फिर 18x आमदनी है, फिर 18x आमदनी है, तो कितने आमदनी हो गए, 36x माइनस 27, यही आंसर हो जाएगा। आप इसको क्षैतिज विधि से भी बना लीजिए, अगर त्रिपदी को त्रिपदी से गुणा करना हो तो इसी तरह कर सकते हैं, अगर चार पद हो ऊपर भी नीचे भी चार पद हो तो हम इसी तरह गुणा कर सकते हैं। क्षैतिज विधि से करना होता है तो ऐसे करते, 5x² से इन दोनों में गुणा करते, फिर -6x से दोनों में गुणा करते, फिर +9 से दोनों में गुणा करते, अंत में उसको सॉल्व करते आंसर आ जाता। इस तरह
बीजीय व्यंजकों का गुणा समाप्त हो गया। आपके स्क्रीन पर कुछ होमवर्क दिए जाएंगे, आप क्षैतिज और स्तंभ विधि से बना लीजिएगा।